हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जुपिटर नोटबुक के बारे में। और जुपिटर नोटबुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली अगर आप डेटा एनालिसिस वगैरह करते हो। और अगर आप बिगिनर हो और इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको जुपिटर नोटबुक के बारे में, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, थोड़ा बहुत जुपिटर में आपने यूज़ कर रखा है, थोड़ा बहुत कोडिंग कर रखा है आपने जुपिटर को यूज़ करके, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जरूर पता होंगी। लेकिन तब भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में 100% गारंटीड के साथ आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जुपिटर नोटबुक इतना पॉपुलर क्यों है, उसकी पॉपुलैरिटी का रीजन क्या है। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखोगे, तो आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ खोला हुआ है जो कि डॉक्यूमेंट की तरह लगता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग है, इमेजेस हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ्स हैं, फिर कोडिंग है। तो बेसिकली ये कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं है, जैसा कि आपको लग रहा है यहाँ पे देख के। ये है जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो ये पावर है जुपिटर नोटबुक की कि आप इसको एक डेटा एनालिसिस जब करते हो, आप उसको बहुत इजीली एक प्रेजेंटेशन मोड में दिखा सकते हो। आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो जुपिटर नोटबुक में, आप यूट्यूब वीडियोस एम्बेड कर सकते हो, आप अपने लोकल इमेजेस या लोकल वीडियो फाइल्स वगैरह वो एम्बेड कर सकते हो इसमें। और उसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के जितने भी मार्कडाउन होते हैं वो सब यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो नीचे आप देखोगे, आप अपना जो पाइथन का कोड है ऑब्वियसली वो इसमें एम्बेड कर सकते हो। तो रन टाइम पे आप एक तो एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी आपकी ऑडियंस है उसको कोड, प्लस उसके बाद जो आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है वो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा कई बार ऐसे होता है कि आप जैसे कोड वगैरह काफी लिखते हो और आप उसको शेयर करना चाहते हो ओपन प्लेटफॉर्म में, तो उस कोड उस केस में आपको जो कोड को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करना होता है, तो उस केस में अगेन जो है जुपिटर नोटबुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज आपने एक तो कोड लिखा और उसके नीचे या ऊपर आप उसमें कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हो, वो भी इट्स सेम लाइक अ ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे आओगे तो देखोगे कितना ब्यूटीफुली ये जो लिखा गया है। और इसके नीचे अगेन डेटा एनालिसिस जब आप करते हो, तो डिफरेंट जो है चार्ट्स, मैटप्लॉटलिब, ग्राफ, सब कुछ आप जो है इसमें अटैच कर सकते हो या एम्बेड कर सकते हो। सो यू अंडरस्टूड कि कितना ज्यादा ये ब्यूटीफुल है और कितना ज्यादा ये जो अंडरस्टैंडेबल है। अगर इसको देखते ही आप समझ जाओगे कि यार स्कैटर प्लॉट है, उसका आपने डेफिनेशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो है कोड दिया हुआ है। और कोड को अगर आप चाहो तो यहाँ रन टाइम पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके फिर से रीरन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग बिल्कुल ही बिगिनर लेवल से कि जुपिटर नोटबुक में बेसिक क्या चीजें हैं। उसके बाद थोड़ा कुछ एडवांस चीजें हैं, जैसे कि स्लाइड शो कैसे क्रिएट करते हैं जुपिटर नोटबुक में, वो सब सीखेंगे कि इसमें कैसे हम वो चीजें अचीव कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको चाहिए जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए या तो आप एनाकोंडा जो है सॉफ्टवेयर उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कीजिए। तो एनाकोंडा को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको जाना है docs.anaconda.com पे, फिर उसके बाद /anaconda/install, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है या फिर मैक ओएस है, लिनक्स है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कीजिए। और राइट साइड में आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगेन, इंस्टॉल में टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। ये आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैं इंस्टॉलेशन स्टेप जो है डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, जैसे आप कोई टिपिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सिमिलरली इसको आपको डाउनलोड करना है, डबल क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो गया। और अगर कोई एरर आती है इंस्टॉल करते टाइम, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी आपका एरर है, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा इसको इंस्टॉल करने में। अब आते हैं, मूव ऑन करते हैं कि आपका एक बार जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो इसको यूज कैसे करना है। तो उसके लिए हमें जाना है, आपको अगर विंडोज पे हो कोशिश करो आप विंडोज को ही फॉलो करो, क्योंकि मैं इस पे अभी विंडोज फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप यूनिक्स पे कर रहे हो, तो आई थिंक यूनिक्स वाले तो वैसे बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि जुपिटर अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल किया तो उसको रन कैसे करना है। तो बेसिकली हमें विंडोज के लिए हम जाते हैं जुपिटर पे, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे हम मैंने लिखा स्टार्ट में जाके जुपिटर, और इसने जो जुपिटर नोटबुक है वो दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसको या तो मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता हूँ या मैं चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ। तो मैं इस केस में डायरेक्टली ओपन पे क्लिक करने वाला हूँ, और जिससे ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। तो अभी ये क्या हो रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा है बेसिकली ये जो है वेब एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक आप जो है ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो। तो ब्राउजर पे अगेन कुछ भी ओपन करोगे तो उसके लिए बेसिकली कोई वेब सर्वर होना चाहिए जिसपे ये चलेगा। तो ये जो अभी हमने किया है उससे क्या हुआ है, जुपिटर जो नोटबुक है यानी जुपिटर वेब सर्वर है बेसिकली, जिस जहाँ पे जुपिटर नोटबुक होस्टेड है वो लॉन्च हो गया है। उसके बाद ये जो यूआरएल दिया हुआ है, हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, और अगर
कॉपी करने के बाद मैं क्रोम ब्राउजर में ओपन करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो जिससे क्या होगा जुपिटर नोटबुक जो है हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद देखोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कोडिंग इसमें कर रखी है, तो इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे अनटाइटल आईपी वाईएनबी वगैरह फाइल्स वगैरह हैं, लेकिन आपके केस में शायद ये सब जो फाइल्स हैं ऑब्वियसली नहीं होंगी। ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा होगा, जैसे कॉन्टेक्स्ट दिख रहा होगा, डेस्कटॉप दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, ये सब दिख रहा होगा बेसिक जो चीजें हैं। तो सबसे पहले जब ऐसा खुल गया, अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा न्यू की ऑप्शन, तो न्यू पे जाके आपको जाना है पाइथन 3 पे। ठीक है, पाइथन 3 पे जाने के बाद अब यहाँ पे जो है बेसिकली आपको एक न्यू जुपिटर नोटबुक खुलेगा जहां पे आप अपनी कोडिंग वगैरह कर सकते हो या जो है डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो कोडिंग की। अब जब आप न्यू पे जाते हो तो कुछ इस तरह से आपका ये जो है एडिटर या जुपिटर नोटबुक है वो खुलता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको पहले समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे ऊपर जो है यहाँ जुपिटर दिया हुआ जो कि लोगो है जुपिटर नोटबुक का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद लिखा हुआ है अनटाइटल 41। ठीक है, तो आपके केस में शायद अनटाइटल 1 लिखा हो, तो ये क्या है बेसिकली ये नेम ऑफ द फाइल है। अगर आप कोई नेम इसको नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है अनटाइटल लिखा हुआ आएगा। अगर पहली फाइल होगी तो अनटाइटल 1 लिखा हुआ आएगा, अगर आप दो फाइल ऐसी होगी आपके पास जिसमें नाम नहीं आपने दिया होगा तो अनटाइटल 2 लिखा हुआ आएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये मुझे ऐसा रीनेम नोटबुक का ऑप्शन देगा, यहाँ पे जाके मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। तो अगेन अगर आप पाइथन कोड लिख रहे हो तो इसको सिंपली आपको जो है कोई भी आप नेम दे सकते हो, डॉट पाई के साथ इसको एंड कर सकते हो। जैसे इसको लेसे हम बोलते हैं डेमो जुपिटर नोटबुक डॉट पाई, और उसके बाद जो है मैं रीनेम पे क्लिक करता हूँ, और ये जो अब आप ऊपर देख सकते हो डेमो जुपिटर नोटबुक डॉट पाई, तो आपका जो है नोटबुक सेव हो गया इस नाम से डेमो जुपिटर नोटबुक डॉट पाई के नाम से। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लिखा हुआ है फाइल एडिट व्यू, तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस है जो कि हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो और आप लगातार सीखना चाहते हो कंटिन्यूअसली, तो इस वीडियो के अलावा जो है आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहली चीज है यूजर इंटरफेस टूर, तो उससे क्या है कि जो बेसिक इंटरफेस है वो आपको बता देगा। वैसे आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सब ऑलरेडी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको मैं काफी यूज करता हूँ फ्रीक्वेंटली, वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आप देखोगे जितने भी जो भी हम जुपिटर नोटबुक में ऑप्शन होते हैं उसको शॉर्टकट यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बहुत ही फास्टर वे में यूज कर सकते हैं। तो अगेन अगर आप जुपिटर नोटबुक पे बहुत ज्यादा काम करते हो तो उस केस में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज करो। अदरवाइज अगर आप माउस और कीबोर्ड पे बार बार इधर उधर करते रहोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, जो आपकी स्पीड भी है या जो कोडिंग का डेवलपमेंट टाइम हम बोलते हैं वो आपका थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो कोशिश करो अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली इसका यूज करते हो तो ये जो कुछ जो फ्रीक्वेंटली यूज जो शॉर्टकट्स हैं उसको याद कर लो। यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर कुछ आप भूल जाते हो तो वापस आपको हेल्प पे जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके आप दोबारा उसको देख सकते हो। उसके बाद आते हैं कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं कि आप पाइथन अगर सीखना चाहते हो तो पाइथन का रेफरेंस डॉक्यूमेंट ये है, आई पाइथन का ये है, नम पाई का ये है, साईपाई का ये है, मैटप्लॉटलिब का ये है। तो देखो काफी आपकी लाइफ जो है जुपिटर नोटबुक ने जितनी ज्यादा इजी बना सकता था वो बना रखा है। उसके बाद अबाउट पे अगर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो जुपिटर नोटबुक है उसका वर्जन कौन सा है। यहाँ पे देखोगे तो जुपिटर नोटबुक का वर्जन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है 6.1.4, और जो पाइथन है इस पे वो है पाइथन 3.8.5। उसके अलावा जो कर्नल इन्फॉर्मेशन है उसकी और भी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो जुपिटर नोटबुक है उसका वर्जन कौन सा है। तो अगर आपको कोई इशू आता है तो हमेशा अगर आप लेट्स से स्टैक ओवरफ्लो पे या कहीं पे ये क्वेश्चन डालते हो कि यार मेरा नोटबुक है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हमेशा जो अपने जुपिटर नोटबुक का वर्जन नंबर है वो जरूर लिखो। उससे क्या होगा जो भी आपकी हेल्प करता है वो इजिली समझ पाएगा यार अच्छा आपका ये वाला वर्जन है, तो उस वर्जन के हिसाब से आपको जो इश्यूज हैं उसका जो सॉल्यूशन बताएगा। तो ये हो गया हेल्प की बात। अब आते हैं इसको देखते हैं कि बेसिकली ये जो नीचे इंटरफेस है उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक सेल। ठीक है, जैसे एक्सेल फाइल में सेल होते हैं, सेल रो रिकॉर्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें सिर्फ सेल का कॉन्सेप्ट है। तो ये है एक सेल। अब इस सेल में क्या कर सकते हैं हम, या तो हम कोडिंग कर सकते हैं या हम लिख सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है, और दो चीजें हैं बेसिकली, या आप कोड करोगे हमेशा या आप करोगे बेसिकली मार्कडाउन। मार्कडाउन यानी कि हो गया या तो मैं बेसिकली उसमें कुछ HTML का कोड वगैरह लिखूंगा या
उसमें मैं लिखूंगा जैसे मार्कडाउन जो लैंग्वेज होती है, या मार्कडाउन बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो सब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगेन मार्कडाउन के अपने अलग सिंटेक्स होते हैं, वो कि जो कि हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में जाके कैसे सिंटेक्स है बेसिक वगैरह कैसे यूज करना है, और मैं आपको रेफरेंस मटेरियल भी दूंगा एक्स्ट्रा आगे आपको कैसे सीखना है उन सब के लिए। तो बाय डिफॉल्ट आप अगर नया आपको सेल इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट, और उसके बाद जाना है इंसर्ट बिलो या इंसर्ट सेल अबव। ठीक है, तो इस केस में लेट्स से मैं एक और सेल इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा इंसर्ट सेल बिलो। ठीक है, और अगर फिर से एक नया इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं फिर से अगेन इंसर्ट सेल बिलो करता जाऊंगा और नए सेल ऐड होते जाएंगे। लेकिन अगेन बार बार आप जो है कीबोर्ड पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, माउस और ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है कीबोर्ड पे आप जो देख सकते हैं इसका जो शॉर्टकट है वो है बी। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड पे बी प्रेस करता हूं तो नया जो सेल है बिलो इसके ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे को सेल चाहिए उतने नंबर बार मैं अपने कीबोर्ड पे बी प्रेस कर सकता हूं और नया सेल जो है नीचे ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं जब भी कुछ कोडिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ तो मैं इनिशियली कुछ 10-12 सेल क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है अपना कोडिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या है पाइथन का कोड अब सेल में लिखना शुरू कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप सेल इंसर्ट करते हो तो वो कोडिंग मोड में होता है। कोडिंग मोड में मतलब यानी कि आप पाइथन का कोड उसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर पाइथन का सिंटेक्स लिखना है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नमस्ते लिखते हैं हम लोग, प्रिंट करवाते हैं इसको, और आप देखोगे यहाँ पे नीचे जो है उसका आउटपुट आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है इन वन। ओके, तो ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये इनपुट वन समझ लीजिए आप इसको। तो ये बेसिकली आपका जो फर्स्ट नंबर ऑफ या लाइन है या इनपुट है वो एग्जीक्यूट हुआ है, उसका नंबर आ रहा है इनपुट वन। अगेन उसके बाद में अगर नीचे वाले सेल में अगर कुछ नया कोड लिखना चाहता हूं तो वो मैं लिख सकता हूं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं माई नेम इज विकास, और उसके बाद ये मेरा कोड हो गया। अब इसको फिर से मैं रन कर सकता हूं। तो रन करने के लिए मैंने एक्चुअली अभी आपको बताया नहीं है कि इसको रन में कैसे कर रहा हूं। तो रन करने के अगेन दो तरीके हैं। तो यहाँ पे मैं एक और लाइन लिखता हूं, इसमें बताता हूं माई यूट्यूब चैनल नेम इज विकास झा 001। ठीक है, ये एक्चुअली चैनल आईडी है, तो मैं इसको चैनल आईडी लिखता हूं। अब इसको रन करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं। या तो आप जाए सेल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है रन सेल्स की। ठीक है, तो मैं एक्चुअली जब मैं प्रीवियसली इसको रन मैंने किया था तो मैंने शॉर्टकट यूज किया था कंट्रोल एंटर। आप देखोगे तो अगर कोई सेल का आपको कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसका जो शॉर्टकट है यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एंटर, तो आप उसको प्रेस कर सकते हो जिससे आपका वो जो कोड उस सेल का है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको भी अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे को कीबोर्ड यूज नहीं करना है तो मैं सेल पे जाके रन सेल्स पे क्लिक कर सकता हूँ। आप देखोगे ये एग्जीक्यूट हो गया है, उसका जो आउटपुट है वो नीचे लिखा हुआ आ गया है। अब जैसे कि हमें क्या करना है, अब इस वाला ये जो सेकंड लाइन वाला कोड है इसको मैं फिर से चलाने जाऊंगा। यहाँ पे सेल में जाऊंगा और सेल में मैं सेलेक्ट करूंगा रन सेल्स एंड सेलेक्ट बिलो। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो कोड एग्जीक्यूट होगा जो सेल नंबर 2 में लिखा हुआ है, और उसके बाद जो हमारा कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला सेल पे मूव हो जाएगा। तो इसको एक बार क्लिक करते हैं और देखो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद जो हमारा कर्सर था ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाले पे मूव हो गया था। एक बार मैं फिर से दिखाता हूं आपको, और यहाँ पे जो नेम चेंज कर देते हैं, उसके बाद जो जाते हैं सेल पे, सेल पे जाने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं रन सेल्स एंड सेलेक्ट बिलो, और आप देखोगे ऊपर जो था वो कोड एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे जो उसके बाद जो हमारा कर्सर है वो बेसिकली नेक्स्ट सेल पे मूव हो गया। अगेन एक चीज आप और नोटिस करोगे तो यहाँ जो नंबर है वो देखोगे आप 5 हो गया है। बेसिकली ये जो जितना भी आपका एग्जीक्यूशन नंबर है वो यहाँ पे नंबर जो है उसके हिसाब से अपडेट होता रहेगा। अगर मैं इस वाले कोड को अगर आप दोबारा चलाऊं तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 6 नंबर आएगा, यानी कि इसके बाद वाला एग्जीक्यूशन। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं सेल पे और नोटिस कीजिए मैंने जो है फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर रखा है ये वाला। अब मैं जाता हूँ सेल पे और उसके बाद जाता हूँ रन सेल एंड इंसर्ट बिलो पे। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो सेल में जो भी कोड लिखा हुआ है वो तो एग्जीक्यूट कर ही देगा, उसके बाद जो है एक नया जो है सेल इंसर्ट कर देगा इसके नीचे, यानी कि लेट्स से इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर आप देखोगे। तो देखो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद इसने नीचे जो क्या किया एक नया सेल एम्प्टी सेल इंसर्ट कर दिया। तो ये सारे जो 3 डिफरेंट ऑप्शन हैं जिसको यूज करके आप जो सेल का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देखते हैं हम यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है रन ऑल। तो रन ऑल क्या है, रन ऑल क्या है यानी कि आपका जो नीचे जो आपके जितने भी कोड हैं जितने भी सेल्स में लिखे हुए हैं वो सारे कोड 1 by 1 चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम एंड्स, तो आप देखोगे टोटल हमने यहाँ पे हमारा एक ये सेल हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया।
तो ये अगर चारों को मुझे एक साथ चलाना है तो मैं सीधा जाऊंगा सेल पे और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा रन ऑल, और रन ऑल पे सेलेक्ट करते हैं। आप देखोगे जितने भी सेल थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। अब आप यहाँ पे नोटिस करो आपका जो कर्सर है वो इस टाइम पे यहाँ पे है, यानी अगर बीच में जितने ब्लैंक सेल्स भी थे तो जुपिटर नोटबुक को पता नहीं है कि आपके सेल में अभी कुछ लिखा हुआ है कि नहीं हुआ। जब आपने सेल पे जाके रन ऑल किया तो जितने भी सेल क्रिएटेड थे, चाहे उसमें आपने कुछ लिखा था चाहे नहीं लिखा था, वो सारे सेल जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस केस में हमारे ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक सारे सेल एग्जीक्यूट हुए और फाइनली हमारा कर्सर यहाँ पे था। यहाँ पे अगेन आप देखोगे जब हमारा एग्जीक्यूशन हुआ इस ये सारे सेल्स का, तो ये वाला यहाँ से शुरुआत हुई और इसका नंबर जो है 7, इसको जो इसका एग्जीक्यूशन नंबर था 7 था। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली ये ब्लैंक था तो कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर 8, नंबर 9 है, नंबर 10। ये जो सीक्वेंसिंग है ये इम्पोर्टेंट है, जब इसको आप प्रोग्राम को रन करते हो उस टाइम पे आपको पता चलेगा। इसको अगेन मैं थोड़ा डिटेल में अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जाते हैं फिर से सेल पे और हम सेलेक्ट करते हैं रन ऑल अबव। तो रन ऑल अबव में क्या होगा, अगर लेसे मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर इस टाइम पे लेसे यहाँ पे है और मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट करता हूँ रन ऑल अबव, तो उस केस में ये जो कर्सर है इससे ऊपर वाले जितने भी सेल्स हैं, या जो भी मेरा बेसिकली अभी एक्टिव सेल है, इससे ऊपर वाले जितने भी सेल हैं वो सारे, उन सब का कोड चल जाएगा, लेकिन नीचे वाले जो है सेल्स हैं उनका कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिमिलरली मैं जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ रन ऑल बिलो, उस केस में जो नीचे वाले जितने भी सेल हैं वो सारा कोड चल जाएगा, ऊपर वाला कोड जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो है आपने जैसे बहुत सारे कोड्स वगैरह चलाए हैं, काफी जो है उनकी आउटपुट सेपरेट आ रखी है, अब उनको क्या करना है, आपको करना है सब कुछ क्लियर। तो आप जाओगे ऑल आउटपुट में, आप कर दोगे क्लियर सेलेक्ट, और उससे क्या होगा, जो भी कोड का जो आपने कोड एग्जीक्यूट किया था उसके नीचे जो आउटपुट आई थी वो सारी आउटपुट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज करते हो जब भी आप एग्जीक्यूशन वगैरह कोड एग्जीक्यूशन करते हो। ठीक है, ये सारा जो भी हमने अब तक सीखा है वो था जब आपका जो सेल है वो कोड मोड में हो, यानी कि आप पाइथन कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब आते हैं सीखते हैं डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसके ऊपर जो है एक सेल इंसर्ट कर लेता हूँ। तो सेल इंसर्ट करने के लिए जैसा आपको बोला इंसर्ट सेल अबव सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और इस बार हम इसको जो है वो चेंज कर देंगे मार्कअप मोड में। तो उसके लिए हमें जाना है सेल पे और हमें सेलेक्ट करना है सेल टाइप, और वहां पे हमें सेलेक्ट करना है मार्कडाउन, सॉरी मैं मार्कअप बोल रहा था, मार्कडाउन हमें सेलेक्ट करना है मार्कडाउन। और उसके बाद जो है हमारा जो सेल है अभी मार्कडाउन मोड में जा चुका है, अब यानी कि हम जो है मार्कडाउन टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से दिस इज जुपिटर नोटबुक डेमो, और उसके बाद जो अगेन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिमिलर रहेगा, आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दिस इज जुपिटर नोटबुक डेमो। अगेन आपको इसको एडिट करना है, तो फिर से आप जो भी सेल, अगर कुछ भी सेल में आपको एडिट करना है तो सेल को सेलेक्ट कीजिए और डबल क्लिक कर दीजिए, उसके बाद वो फिर से एडिट मोड में आ जाएगा। आप एंटर प्रेस कर सकते हो और नीचे जो है नेक्स्ट लाइन ऐड कर सकते हो। इन दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट कमांड्स ऑफ जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, और जो है इसको अगेन मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अगेन मार्कडाउन जो है उसको कैसे यूज करना है, उसके क्या डिफरेंट सिंटेक्स हैं, उसके लिए जो है आप यहाँ पे जाके जो आप डिटेल में देख सकते हो बेसिकली कि जो मार्कडाउन है उसको, उसका कैसे यूज करना है, क्या उसके वेरियस सिंटेक्स हैं वो सब। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरा जो मार्कडाउन के वन बाय वन दिखाने लग जाऊंगा तो वो अगेन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आप समझ गए बेसिकली मार्कडाउन यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे मार्कडाउन के कुछ जो चीजें हैं वो ऑब्वियसली मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से मुझे यहाँ पे इस वाले सेल में हमें क्या करना है, हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए जो मार्कडाउन का सिंटेक्स होता है वो ये होता है। तो मैं ये जो सिंटेक्स है इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक चीज नोटिस कीजिए, अभी जो हमारा ये सेल है ये कोड मोड में सेल है, क्योंकि ये जो हमने बाय डिफॉल्ट सेल क्रिएट किया था और ये कोडिंग मोड में है। इसको अगेन मैं चेंज कर दूंगा, मैं जाऊंगा सेल टाइप में, इसको चेंज कर दूंगा मार्कडाउन पे। जैसे हम मार्कडाउन में चेंज करते हैं आप कुछ नोटिस कर सकते हो, जो मार्कडाउन वाला है सेल है और जो कोड वाला सेल है उसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया है अभी तक और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें अगर आप देखोगे जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो जैसे हम मार्कडाउन मोड में करते हैं तो उसके आगे जो इन लिखा होता है वो गायब हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे इन जो है यहाँ पे भी नहीं है लेफ्ट में लिखा हुआ, और यहाँ पे ये कोडिंग मोड में है तो इस पे यहाँ लेफ्ट में इन लिखा हुआ है,
और ये जो है मार्कडाउन मोड में है, तो यहाँ पे लेफ्ट में इन नहीं लिखा हुआ, तो इससे आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि यार कौन सा कहाँ पे इन लिखा हुआ है कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब लेट्स से मेरे को जो है ये इमेज यूज करनी है। अब ये इमेज जो है जो भी आपकी डायरेक्टरी है वहां पे पड़ी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे पता है कि जो हमारा जो जुपिटर नोटबुक है वो कहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। जो अगर आपको जानना है कि ये जो जुपिटर नोटबुक है उसकी जो डिफॉल्ट लोकेशन क्या है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा जो आप फाइल में जाके न्यू नोटबुक में जाके, इनफैक्ट यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, जहां से आपने जब आपने जुपिटर नोटबुक लॉन्च किया था वहां न्यू पे जाके आप टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो वहां पे जो आपको लोकेशन बता देगा कि आपकी ये जो जुपिटर नोटबुक की फाइल्स क्रिएट हो रही है वो कहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, लेकिन आपको एक लेवल अगर आप पीछे जाओगे तो आप देखोगे जो यहाँ पे इस वाले लेवल पे अगर मैं DIR कमांड लिखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारी जो नोटबुक्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी वहीं सब वहां पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने ये सेम लोकेशन पे, यानी कि जो लोकेशन है वो है सी ड्राइव में यूजर्स और यूजर्स के अंदर यूजर, उसके अंदर जो है मैंने ये वाली इमेज रख दी थी 247.png, ठीक है। और वही वाली इमेज जो है उसका मैं रेफरेंस यहाँ पे बता रहा हूँ कि इमेज एक इंसर्ट करे और उसमें जो सोर्स है यानी कि जो इमेज का सोर्स है यानी कि इमेज की लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो है सेम डायरेक्टरी। तो सेम डायरेक्टरी को रिफर करने के लिए मैंने डाला ./247.png जो कि इमेज का नाम है, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा कंट्रोल एंटर प्रेस करके, तो हमारी जो इमेज है वो लोड हो जाएगी यहाँ पे। तो सॉरी, अगर आप सेम डायरेक्टरी में, अगर आपकी इमेज जो है सेम डायरेक्टरी में, तो हमें हमें सिर्फ जो है इमेज का नाम हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा मैंने लिखा है 247.png क्योंकि हमारी जो इमेज है वो सेम डायरेक्टरी है जहां पे ये हमारा बेसिकली ये वाला जो जुपिटर नोटबुक है। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊं तो मैं एक बार क्विकली आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो डेमो जुपिटर नोटबुक .py.ipynb है जो कि हमने क्रिएट किया था। अगेन जब हमने नेम दिया था तो सिर्फ डेमो जुपिटर नोटबुक .py तक दिया था, उसके बाद जो ipynb है जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है जुपिटर नोटबुक की, या ipython नोटबुक इसका जो पुराना नाम था वो एक्सटेंशन होती है ipynb, ipython नोटबुक। अब ये रीनेम हो चुका है जुपिटर नोटबुक पे, तो अगर कोई आपको ipython नोटबुक बोलता है तो वो सेम चीज है जुपिटर नोटबुक। अब यहाँ पे हमने 247.png जो इमेज थी तो वो वाली इमेज जो है मैंने उसका रेफरेंस दिया है यहाँ पे, और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो ये वाली जो इमेज है वो यहाँ पे लोड हो जाती है। अगेन ये इमेज जो है कुछ भी इमेज हो सकती है आपकी, तो जैसे कि मैंने इनिशियल एग्जाम्पल में आपको दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ पे भी आप देखो कोई इमेज लोड हो रखी है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे सिमिलरली चीजें अचीव कर सकते हो। अगेन जैसे मेरे को कोई मेरी वीडियो पड़ी है इस लोकेशन पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी डाली थी ये वाली जो वीडियो है, और इस वीडियो को मेरे को अगर लोड करवाना है जुपिटर नोटबुक में तो अगेन उसके लिए जो मार्कअप कोड है मैं वो यूज करूंगा। यहाँ पे अगेन जो डॉट डॉट लिखा हुआ है उसको हम कर देते हैं रिमूव, और इसको मैं उठा के जो है नए वाले सेल में, जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं इसको मार्कअप में यूज करने के लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया है, और उसके लिए आपको कमांड मोड में जाना होता है, यानी कि पहले आप एस्केप प्रेस कीजिए और उसके बाद जो भी शॉर्टकट कीबोर्ड है वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले एस्केप प्रेस किया और उसके बाद मार्कअप के लिए अगर आप देखोगे सेल टाइप में जाके मार्कडाउन के लिए आपको एम सेलेक्ट करना है, तो मैंने कीबोर्ड पे एम प्रेस किया और हमारा जो इस वक्त सेल है वो मार्कडाउन मोड में जा चुका है। आई एम सॉरी, इस वीडियो में मैं कई बार आई थिंक मार्कडाउन की जगह मार्कअप बोल दिया, तो सॉरी फॉर दैट, बट जो मेरा मीन है वो मार्कडाउन था इसका। तो यहाँ पे अगर हम देखें और मैं इस पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे अब जो कोड है मैंने वहां वो ये कोड यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको जो है कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे जो देखोगे जो वीडियो थी अगेन वो सम कोई टेम्परेरी वीडियो थी, तो वो वीडियो यहाँ लोड हो चुकी है, जो यहाँ पे प्लेयर है वो आ चुका है। इसको मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, ऐसी नॉलेज शेयर करते हैं जो, ठीक है। तो यानी कि आपने जो आपकी वीडियो वगैरह है जो लोकल वीडियोस हैं उसको आपने यहाँ पे एम्बेड कर दिया। सिमिलरली आप चाहो तो यूट्यूब वीडियो वगैरह एम्बेड कर सकते हो HTML मोड में जाके। तो ये हो गया आपका बेसिक जो है कैसे आपने जो मार्कडाउन वगैरह का यूज किया है। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट हम क्या इसमें कर सकते हैं, तो व्यू में अब देखते हैं व्यू में कौन सी ऑप्शंस है। व्यू में बेसिकली कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। अगर व्यू में देखोगे तो सबसे पहले टॉगल हेडर है, यानी कि ये जो आपका सबसे ऊपर टॉप पे है वो हेडर उसको बोलते हैं। अगर मैं इस पे टॉगल हेडर पे क्लिक करता हूँ तो वो जो है हाइड हो जाएगा। लेट्स से एक बार इस पे क्लिक करते हैं, अब देखोगे आप जो आपका जुपिटर नोटबुक का नेम वगैरह दिख रहा था वो हाइड हो चुका है। अब मैं फिर से उसको इनेबल करना है तो मैं टॉगल हेडर पे फिर से क्लिक करता हूँ तो वो फिर से वापस आ जाएगा। उसके बाद जाते हैं व्यू पे टॉगल टूल बार पे, तो ये बेसिकली जो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हो ये टूल बार है, तो मैं व्यू पे जाके क्लिक करता हूँ टॉगल टूल बार पे, तो वो जो टूल बार आपको दिख रहा था वो हिडन हो गया। अगेन मैं वापस जाके व्यू पे जाके टॉगल टूल बार कर दूंगा जिससे वो वापस इनेबल हो जाएगा।
तो मैंने वापस इनेबल कर दिया। तो बेस्ड ऑन अगर आपको जैसे ये स्क्रीन पे ज्यादा आपको जो स्पेस चाहिए वो आपको जो नीचे बॉडी है उसके लिए चाहिए, तो आप जो हेडर है या टूल बार है उसको हाइड कर सकते हो। तो बेसिकली वो ऑप्शन है इस पे यहाँ पे। उसके बाद टॉगल लाइन नंबर है, इस पे मैं जाता हूँ। तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट जो हमारा जो भी हम कोड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ, पहले मैं टॉगल हेड जो है टॉगल लाइन नंबर है उसको मैं हाइड करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट सम कोड, और इसके बाद हम लिखते हैं सम मोर कोड, और उसके बाद मैं कुछ नंबर देता हूं, फिर से मैं लिखता हूं यहां पे कुछ कोड। अब देखो यहां पे मैंने जानबूझ के सिर्फ SPF लिख दिया है, बिकॉज यहां पे कुछ एरर आएगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, हम देखते हैं हमारा ये कोड चला, उसके बाद यहां पे एरर आ गया है, ठीक है। और एरर पे ये पॉइंट कर रहा है लाइन नंबर 6 पे एरर है, लेकिन ऊपर अगर आप देखोगे तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है यार लाइन नंबर 6 है कौन सी, क्योंकि हमें जो लाइन नंबर है वो नहीं दिख रहा है। तो यानी हमें लाइन नंबर इनेबल करना है, उसके लिए हम जाएंगे व्यू पे टॉगल लाइन नंबर पे, और हम देख सकते हैं जो लाइन नंबर 6 है वो SDF है, यानी कि ये वाली जो लाइन है उस पे ये हमें बेसिकली प्रॉम्प्ट कर रहा था कि यहाँ पे कोई एरर है। अगेन ये कोड छोटा है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हाँ यार लाइन नंबर 6 ये वाली है, लेकिन जस्ट इमेजिन आपका अगर यहाँ पे कुछ 100-150 लाइन का कोड होता और आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा होता कि लाइन नंबर 40 पे एरर है, तो आप वन बाय वन काउंट नहीं करते, इसलिए आप यहाँ पे जाके लाइन नंबर इनेबल कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली जो नंबर है लाइन्स के वो कौन से हैं। उसके बाद हम जाके देखते हैं एडिट में। एडिट में अगेन बहुत बेसिक चीजें यार, कोई सेल आपको कट करना है, कोई कॉपी करना है, डिलीट करना है, तो वो सब चीजें हैं। जैसे अगर मेरे को ये सेल डिलीट करना है तो मैं उसके लिए ये सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद मैं जाता हूँ डिलीट सेल पे, और ये सेल डिलीट हो गया। सिमिलरली मैं एस्केप प्रेस करूंगा एक बार, अब मैं क्या है मैं जा चुका हूँ कमांड मोड में, अब मैं DD प्रेस करता रहूंगा और ये सेल डिलीट होते रहेंगे। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट है, दो बार D प्रेस करोगे तो सेल डिलीट हो जाएगा। तो मैं DD प्रेस कर रहा हूँ, जो सेल है वो डिलीट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है जितने भी एक्स्ट्रा सेल्स थे वो सारे डिलीट कर दिए। सिमिलरली अगर आप चाहो तो अगेन जो डिफरेंट ऑप्शन है इसमें, आई थिंक ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जिसको आपको सीखने की जरूरत है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं फाइल पे, जो अगेन ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट वन है वो है डाउनलोड एज। तो डाउनलोड एज में जाके मैं जो है इसको जो भी मैंने जुपिटर नोटबुक में लिखा होगा मैं उसको एज एन HTML डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं जैसे इसको एक बार पहले एज एन HTML डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद ये जो है इसको अगर आप ओपन करोगे अब तो ये एक वेब पेज में ओपन हो जाएगा। अब इस HTML कोड को अगर आप जैसे अगर आप आपकी वेबसाइट है कुछ WordPress वगैरह पे, तो डायरेक्टली आप इस HTML पेज को अपने ब्लॉग पोस्ट वगैरह में एम्बेड कर सकते हो या अपनी वेबसाइट में इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है। यहाँ पे देखोगे आप ये जो भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन इस टाइम पे सिर्फ रीड मोड में है, कुछ आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है जुपिटर नोटबुक ने एक HTML फाइल प्रोड्यूस की है जो कि स्टैटिक फाइल है। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते कोई भी, लेकिन आप इसमें देख सकते हो कम्प्लीटली, यानी जितना भी आपने जो भी बेसिकली हम जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे थे, यहाँ पे देखो ये सब आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सिमिलर चीज बेसिकली यहाँ पे हमने उसको एज एन HTML प्रोड्यूस करके अचीव किया है। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो इस HTML पेज को अपने WordPress वेबसाइट वगैरह में या कहीं भी एम्बेड कर सकता हूँ, तो जिससे लोग हैं कोड वगैरह भी देख सके और जो एग्जाम्पल या नीचे डिटेल वगैरह दिया हुआ है वो सब देख सके। तो फाइल में अगेन डाउनलोड एज HTML के अलावा जो है मार्कडाउन है और नोटबुक, डिफरेंट जो चीजें हैं वो है अवेलेबल हैं। तो नोटबुक जो है ऑप्शन वो अगेन सेकंड ऑप्शन है जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करोगे। नोटबुक ऑप्शन में जाके यानी जो भी आपने यहाँ पे नोटबुक बनाया है तो आप फाइल में जाके इसको डाउनलोड एज नोटबुक में जाके इसको डाउनलोड कर लोगे और वो किसी और को दे दोगे कि अगर जैसे आपको शेयर करना है अपना कोड तो आपने ये जो नोटबुक फाइल जो भी डाउनलोड होगी, जैसे मैंने इस पे डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये जो नोटबुक डाउनलोड हुई है मैं इसको उठा के अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या जो भी अपने कॉलीग हैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जब वो इसको ओपन करेंगे तो उनको जो है एग्जैक्टली जो भी चीज मैंने यहाँ पे स्क्रीन में लिखी हुई है वो सारी चीजें उन्हें दिखेंगी। तो ये हो गया कोई भी जो नोटबुक है वो आप कैसे डाउनलोड करके और एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अब देखते हैं अगर हमें किसी की जुपिटर नोटबुक को इम्पोर्ट करना हो इसमें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अगेन जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था ये जुपिटर नोटबुक गैलरी है। तो आपको अगर जुपिटर नोटबुक जितने भी बने हुए हैं ऑलरेडी या जो लोगों ने शेयर कर रखे हैं उसको देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाओ और वहां पे गूगल पे जाने के बाद लिखो जुपिटर नोटबुक गैलरी, यहाँ पे देखोगे
ऑलरेडी सजेशन में आ गया। जुपिटर नोटबुक गैलरी आप देखोगे तो सबसे पहला जो लिंक आ रहा है वो मैंने ऑलरेडी ओपन किया था, इसलिए आप देखोगे इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये गिटहब पेज पे एक ले जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, बेसिकली ये जितने भी जुपिटर नोटबुक है वो सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस पे, फिर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस में जितने भी डिफरेंट नोटबुक है जो लोगों ने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, जो भी डिफरेंट एग्जाम्पल है, उसमें से मैं जाके कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ न्यूमेरिक कंप्यूटिंग इज फन पे, तो ये अब मुझे ले जाएगा एक जो है बेसिकली जुपिटर नोटबुक पे लेकर जाना चाहिए था। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन इसने इस केस में अभी जुपिटर नोटबुक नहीं खोला है, तो मैं इस पे कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे रन कोड इन कलेक्शन ऑफ नोटबुक्स फ्रॉम आई पाइथन, इस पे जाते हैं, सेल मैजिक्स पे जाते हैं, तो ये वाला जो है वो जुपिटर नोटबुक है। अगेन आप देखोगे ऊपर जो टॉप पे एक्सटेंशन है वो .ipynb है, तो विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुपिटर नोटबुक। अब जैसे ये जो जुपिटर नोटबुक है इसको मेरे को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे मैं जाके डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है इस पे मैंने क्लिक किया और ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर जैसे डाउनलोड नहीं होता है, जैसे इस क्रोम के केस में, क्रोम आजकल कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, तो कुछ PDF या टेक्स्ट फाइल या कोई भी ऐसी चीज है जो क्रोम रीड कर सकता है, तो उस केस में डायरेक्टली आपको रीड करके शो करने लग जाएगा रादर देन उसको डाउनलोड करने के। तो हमें जाना है बैक पे, हमें वापस से वो जो URL है यानी वो जो डाउनलोड लिंक है उस पर राइट क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना है सेव लिंक एज, और उस पर जाने के बाद जो है हमें ऑप्शन आ जाएगी वो डाउनलोड की यानी सेव करने की बेसिकली। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। कहाँ पे हमें डाउनलोड करना है? सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर जो है हमारा जो बेसिकली जुपिटर नोटबुक है वो सारी नोटबुक्स जो है यूजर ये वाले सी ड्राइव में यूजर और यूजर के अंदर पड़ी हुई है, तो मैं यहीं पे ये जो है इसको डाल लेता हूँ cellmagics.ipynb। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाता हूँ वापस जुपिटर पे और यहाँ पे जाता हूँ मैं हम लोग जाते हैं वापस अपने नोटबुक पे जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहां पे। अब मुझे जैसे जो मैंने नया जो जुपिटर नोटबुक डाउनलोड किया है उस पे जाना है, तो मैं जाऊंगा फाइल ओपन और जो cellmagics.ipynb जो हमने डाउनलोड किया था वो आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है, तो इसमें मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और अब जो नोटबुक हमने सारे का सारा जो डाउनलोड किया था उसको डायरेक्टली आप देखोगे बिल्कुल वैसा ही खुलेगा जैसा कि वहां पे हमें दिख रहा था। यहाँ आप देख सकते हो एग्जैक्टली जैसा कि हमें वहां पे एग्जाम्पल में दिखा था वो सिमिलर चीज यहाँ पे दिख गई है। अब एक चीज यहाँ पे देखोगे आप, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी खुली है एक्चुअली, ये मैं आपको समझाने वाला था। तो यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसी चीज है जुपिटर नोटबुक में जिसको बोला जाता है मैजिक, ठीक है, सेल मैजिक्स। अब सेल मैजिक में आता है लाइन मैजिक या सेल बाय मैजिक, तो उसमें आप देखोगे उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जाते हैं जैसे अपने जुपिटर नोटबुक में एक नया नोटबुक खोलते हैं, या लेट्स से जो डेमो वाला था उसी में जाते हैं। यहाँ पे नीचे जाके एक नया सेल इंसर्ट करते हैं और इसके बाद हम करते हैं परसेंट, और यहाँ पे लेट्स से जो सेल मैजिक था उसमें हम देखते हैं जो एग्जांपल दिया हुआ था %LS Magic का। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं डालता हूँ %LS Magic और करता हूँ कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है लिस्ट ऑफ ऑल द मैजिक कमांड्स जो कि अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो मैजिक कमांड्स हैं इसके अगेन डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको कोई HTML जो कोड लिखना है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको इस सेल में HTML कोड लिखना है तो उसके लिए आप देखो एक मैजिक कमांड है %HTML, तो मैं इसको जो है यूज कर सकता हूँ। तो मैं लेट्स से यहाँ सेल में जाता हूँ, मैं करता हूँ मैं इंसर्ट में जाता हूँ, करता हूँ इंसर्ट सेल बिलो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ %HTML और उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी HTML कमांड है वो डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे टेबल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ और यहाँ पे TD, अगेन अगर आपको HTML आता है तो बहुत ही बेसिक चीज है जो HTML में होता है, यहाँ पे मैं डालता हूँ टेबल डेटा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ TR। अब ये जो HTML का कोड है लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया %HTML, यानी कि हमने बेसिकली यहाँ पे जो मैजिक सेल है वो उसको हमने यूज किया और उसके बाद जो है ये लाइन मैजिक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगेन ये मार्कअप में होना चाहिए, ये कोडिंग वाले में नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा जो सेल है वो कोड टाइप का है, इसको सबसे पहले तो मैं चेंज कर देता हूँ मार्कअप पे। अब जो आपने देखा होगा लेफ्ट से जो इन ऑप्शन था वो उड़ गया, अब हम इसको कंट्रोल एंटर करके रन कर देंगे, तो आप देखोगे ये जो इसका आउटपुट है ये एक एक्चुअली HTML आउटपुट है, ठीक है। अगर आपको जैसे HTML में जो
कोई इमेज वगैरह एम्बेड करने का सिंटेक्स पता है तो वो सेम सिंटेक्स जो है आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। अगेन इसमें आप देखोगे डिफरेंट जो है लाइन मैजिक है या सेल मैजिक्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। इसका जो आप यहाँ पे देखोगे बिल्ट इन मैजिक कमांड्स हैं, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि कौन से बिल्ट इन मैजिक कमांड्स हैं, उसको कैसे यूज करना है, उसका क्या बेनिफिट है। लेकिन कुछ जो दो तीन हैं जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको जो टिपिकली अगर आप पाइथन कोड वगैरह लिखते हो तो आप जानना चाहते हो कि यार ये कितनी देर में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके लिए जो एक इम्पोर्टेंट वन जो है वो है परसेंट टाइम। यहाँ पे आप देखोगे परसेंट टाइम इट, ठीक है, सॉरी परसेंट टाइम इट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मैं परसेंट टाइम इट पे जाके यहाँ पे इसको यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सम डेटा और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। आई थिंक मैं फंक्शन यूज करना चाहिए था इस, तो क्योंकि जो टाइम इट है वो बेसिकली फंक्शन है उसका टाइम बताएगा। तो जैसे मैं एक यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट टाइम और मैं यहाँ पे टाइम इट में डाल देता हूँ टाइम डॉट स्लीप फंक्शन डाल लेते हैं 2 सेकेंड्स का और इसको करते हैं दोबारा एग्जीक्यूट। अब इस केस में ये हमें बताएगा कि ये जो टाइम है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, उस सबकी डिटेल बताएगा। तो सिमिलरली अगर आप पाइथन कोड लिखते हो उसमें आप कोई जो फंक्शन है उसका देखना चाहते हो यार इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है और काइंड ऑफ डिफरेंस जो है कितना है, कौन सा जो फास्टर रन हो रहा है, वो सब कंपेयर करना चाहते हो, तो अगेन आप परसेंट टाइम इट यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगेन ये सब जो है इसकी मैं सिर्फ आपको रेफरेंस बता रहा हूँ कि कुछ अवेलेबल लाइन मैजिक या सेल मैजिक नाम की चीज होती है जुपिटर नोटबुक में जो कि आप यूज कर सकते हो। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्चुअली मुझे भी इसको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ पे जाके यूज कर सकते हो या और ज्यादा सीख सकते हो। यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं जो और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे हो गया आपका परसेंट पिप। तो परसेंट पिप में जाके यानी कि अगर जैसे आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे, परसेंट ये जो परसेंट पिप डाल दोगे, उसके बाद जो है आप कुछ भी जैसे पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो कोंडा पैकेजेस, तो वो डायरेक्टली यहाँ आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हो, आपको कोंडा में जाके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो वो सब चीजें यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद लेट मी सी अगर कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें है कि नहीं है। हाँ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है कर्नल, ठीक है। कर्नल ऑप्शन में जो है हमें बेसिकली जब भी हम अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कोई मैं एक लॉन्ग रनिंग कोड चलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला एक कोड है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइम डॉट स्लीप 20 सेकेंड्स। अब इसको मैं अगर चलाऊंगा तो ये 20 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में जाएगा और ऊपर आप देख सकते हो टॉप पे ये दिखा रहा है प्रोसेसिंग ये हो रहा है। एक तो मैं इस विंडो को पहले क्लोज कर देता हूँ। हाँ तो यहाँ पे देखोगे आप ये दिख रहा है प्रोसेसिंग। अगर जैसे मैं इसको ये प्रोसेस हो रहा है, मैंने देखा कि यार ये तो कुछ गलत कोड मैंने चला दिया, इसको मेरे को स्टॉप करना है इमिडिएटली, तो उसके लिए मैं जाऊंगा कर्नल पे। कर्नल पे जाके मैं कर दूंगा उसको, अगेन यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है, शट डाउन द कर्नल करूंगा तो ये शट डाउन हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आप देखो ऊपर जो प्रोसेसिंग था वो चला गया और यहाँ पे ये इमिडिएटली स्टॉप हो गया। अब जैसे मेरे को फिर से इसको चलाना है तो मैं अगेन कर्नल पे जाके इसको रीस्टार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये फिर से वापस जो है आप देखोगे प्रोसेसिंग मोड में चला गया, यानी कि ये फिर से चलने लग गया। अब जैसे मेरे को कर्नल पे जाके मेरे को कोई जो कोड था वो चल रहा था लेकिन मेरे को उसको रीस्टार्ट करना है, तो मैं कर्नल पे जाके रीस्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट पे करूंगा तो वो पहले आउटपुट क्लियर कर देगा अगर कोई आउटपुट होगी, जैसे यहाँ पे जैसे इसको हम करते हैं, इसको चलाते हैं, तो इसको क्या करेगा, इसको अब रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट चलाते हैं फिर आपको बताता हूँ हुआ क्या है। यहाँ पे जैसे रीस्टार्ट एंड क्लियर ऑल आउटपुट पे सेलेक्ट करते हैं, अब इसमें क्या हुआ कि उसने जो बेसिकली जितना भी था वो सारा कोड ऊपर चलाया लेकिन जो आउटपुट थी उसको क्लियर कर दिया, इसलिए आप देखोगे नीचे आउटपुट किसी का भी नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये सारे जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है आप रीस्टार्ट एंड रन ऑल कर सकते हो, यानी कि जैसे आपने कुछ कोड या कोई सेल का कोड चल रहा है आप उसको स्टॉप करके सारे कोड है सीक्वेंस में वो चलाना चाहते हो तो आप जो है रीस्टार्ट एंड ऑल से रीस्टार्ट ऑल सेल्स करोगे तो बेसिकली जितने भी कोड्स वगैरह चल रहे थे सबको रीस्टार्ट कर देगा। और इस केस में आप देखो ये सारे सेल से सारा एग्जीक्यूट हुआ है और आपको हर सेल के नीचे आउटपुट है वो प्रॉपरली दिखी है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इट प्रीटी मच, हमने जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब तो कवर कर ली है। अब थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ स्लाइड्स वगैरह के बारे में। तो जुपिटर नोटबुक इस टाइम पे इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि हमें इनफैक्ट आपको जो पावर पॉइंट में जाके
स्लाइड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है इसी में स्लाइड यूज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे यार हम कैसे जो अपना जुपिटर नोटबुक है उसका स्लाइड शो में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल में जाके न्यू नोटबुक में जाके एक नया जो नोटबुक ओपन कर लेता हूँ और इसका नाम हम लोग देते हैं, लेट्स से इसका नाम देते हैं डेमो पीपीटी। ठीक है, ये एक्चुअली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन जस्ट फॉर द नेम से एक लेट्स से इसको, या लेट्स से इसको डेमो जुपिटर स्लाइड्स नाम दे देते हैं। और इसमें एक्सटेंशन डालने की हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है, वैसे अगर कोई एक्सटेंशन आप नहीं भी डालते हो तो जो .ipynb एक्सटेंशन है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब हम यहाँ पे जैसे हम मार्कडाउन यूज करते हैं और कुछ लिखते हैं इसमें, मैं इसमें लिखता हूँ दिस इज जुपिटर नोटबुक स्लाइड्स डेमो, आई एम गोइंग टू रन सम कोड। और मैं यहाँ पे एक नया सेल इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ बेसिक कोड लिख देते हैं, दिस इज सम डेमो कोड। और उसके बाद जो फिर से एक नया सेल इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे अगेन लिख देते हैं कुछ, यहाँ पे है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ये पांडा डेटा फ्रेम का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे अगेन जो है सम कोड हम लिख सकते हैं। और फिर से मैं जाके अगेन मैं कीप ऑन जितना भी मेरे को जो सेल्स ऐड करने में उसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे अगेन मैं जो इस सेल में कुछ ऐड कर देता हूँ सम मोर कोड्स। अब हम इसको जो है हमें चेंज करना है इसको स्लाइड्स मोड में, तो उसके लिए हमें जाना है व्यू पे, और व्यू में जाके हमें जो जाना है सेल टूल बार। ठीक है, व्यू में गए सेल टूल बार में, और यहाँ पे आप देखोगे स्लाइड शो की ऑप्शन है, तो हमें स्लाइड शो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखोगे जितने भी सेल्स है वो सारे चेंज हो गए हैं और उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गई है स्लाइड टाइप की। ठीक है, तो स्लाइड टाइप में आप देखोगे जो मेनली हम इसको स्लाइड यूज कर सकते हैं और एज अ सब स्लाइड यूज कर सकते हैं। तो स्लाइड में क्या होगा, ये जो है एक अगेन मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसको। जैसे मैं पहले वाले को स्लाइड देता हूँ और उसके नीचे जो ऑप्शन है मैं उसको सब स्लाइड देता हूँ, यानी कि ये जो है इसी का सब स्लाइड है, और फिर ये अगेन एक स्लाइड है और ये एक सब स्लाइड है। ठीक है, इस तो ये बेसिकली हमारा क्रिएट हो गया स्लाइड, इसको सेव हमने कर लिया, इसको नाम हमने दिया था जुपिटर डेमो जुपिटर स्लाइड्स। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है हमें जाना है कमांड मोड पे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे जाके आप न्यू में जाके टर्मिनल खोल सकते हो। तो सिमिलरली मैंने जब टर्मिनल ओपन किया था तो ये वाला टर्मिनल आया था अगेन। अब उसको जो आपको चलाने के लिए जो स्लाइड्स को चलाने के लिए कमांड चाहिए वो ये कमांड है। कमांड देखो ये बहुत सिंपल है, जुपिटर एनबी कन्वर्ट, और यहाँ आपको नाम देना है जो भी नाम की आपने ये जुपिटर नोटबुक अभी क्रिएट किया था। तो हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था जुपिटर डेमो जुपिटर स्लाइड्स .ipynb ऑब्वियसली होता है बाय डिफॉल्ट, तो हम उसको यूज करेंगे। और इसको हम बोल रहे हैं -2 स्लाइड्स पोस्टर। ठीक है, ये कमांड है, इसको आप जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं इस टर्मिनल पे, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली ये अगेन एक वेब सर्वर लॉन्च करेगा और हमें एक URL देगा, उस URL पे जाके हम इसको एज अ वेब सर्वर चला पाएंगे। तो आप देखोगे नीचे दिखा रहा है सर्विंग योर स्लाइड एट दिस, तो इसने हमें एक URL दे दिया। अभी इस URL पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो हमारा पूरा कोड था, आप देखोगे ये जो कोड था हमारा ये हमें दिख रहा है एज अ स्लाइड। अब इसको आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड में दो एरो आ रहे हैं, नीचे का एरो एंड राइट साइड का एरो। तो राइट साइड में जाने का जो एरो है वो उन सब के लिए आ रहा है जहां पे हमने सेलेक्ट किया था ऑप्शन है स्लाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस एग्जाम्पल में हमने स्लाइड्स एंड सब स्लाइड सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमने स्लाइड किया था, तो इसलिए जो पहले वाले पे जो ऑप्शन है वो हमेशा ये, अगर मैं इसको लेसे मैं राइट सेलेक्ट करता हूं तो ये डायरेक्टली जो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करेगा, यानी कि ये चला जाएगा यहाँ पे दिस इज एग्जांपल ऑफ पांडास डेटा फ्रेम दिखाएगा। तो मैं राइट स्वाइप करता हूं, आप देख लो ये आ गया दिस एग्जांपल ऑफ पांडास डेटा फ्रेम पे। मैं फिर से अगर मेरे को पिछली स्लाइड पे जाना है तो मैंने फिर से लेफ्ट एरो की प्रेस किया और ये आ गया पहली स्लाइड पे। अब जैसे मेरे को इस पहली वाली स्लाइड का जो सब स्लाइड था यानी कि जो कि सेल नंबर ये सेकंड था वो वाला ओपन करना है, तो उसके लिए मुझे प्रेस करना है जो डाउन एरो की। तो ये स्लाइड है, इसके सब स्लाइड के लिए मैंने डाउन एरो की प्रेस किया और जो प्रिंट दिस इज डेमो कोड लिखा हुआ था वो आ गया। अगेन मेरे को नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो मैं राइट प्रेस करूंगा, मैं आ गया हूँ स्लाइड टू पे। अगेन इसका सब स्लाइड ओपन करने के लिए मैंने जो डाउन एरो की प्रेस किया और मैं आ गया हूँ अगेन उसके सब स्लाइड पे।
तो दिस इज हाउ इंटरेक्टिव यू कैन मेक अगेन. इसमें जो भी अगर आपने इमेजेस वगैरह लगाए होते तो वो सारे इमेजेस बहुत ही यहाँ पे ब्यूटीफुल वे में खुलते, वीडियोस खुलती, जो भी चीजें आपने इंसर्ट की होंगी ये यहाँ पे, तो वो सारे उसी हिसाब से खुलते. तो आप देख सकते हैं जुपिटर नोटबुक कितना ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए जो जुपिटर नोटबुक की पॉपुलैरिटी, स्पेशली डेटा साइंस, जहां में आपको सिर्फ डेटा के साथ सिर्फ कोड ही नहीं करना होता है, नहीं आपको डेटा को एक्सप्लेन करना भी अच्छे से होता है अपनी ऑडियंस को, तो उसके लिए बहुत ही जो जुपिटर नोटबुक बहुत ही पावरफुल है. तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से अगर आपने आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर यूजफुल सीखा होगा, इवन आप इंटरमीडिएट लेवल के भी हो तब भी आपने कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे नया सीखा होगा. अगर आप बिगिनर हो तो स्पेशली आपने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा होगा. तो आप नीचे जाके जो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा पार्ट वीडियो का आपको अच्छा लगा, और जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन या नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जिसमें जुपिटर नोटबुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उसको आपको आंसर करना है, ठीक है? और जो भी उसमें आंसर करेगा, अगेन हम उसमें कोशिश करेंगे कि कोई विनर अनाउंस कर सके. तो इस वीडियो में इतना ही था, बने रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं. सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.